सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अनुजी, बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन को हमने एक सीमित दायरे में ट्रेड होते देखा था जो कि 6000 से लेकर ऊपर में 6500 तक का है, लेकिन देख रहे हैं कि अब सोयाबीन 6600 के पार भी जा चुका है। मार्च वायदा देख रहे हैं 6700 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में तो पहले से ही उत्पादन अनुमान में कटौती की जा चुकी है, तो क्या ये उसका असर देखने को मिल रहा है, और क्या ये छोटी अवधि के लिए रहेगा या फिर लंबी अवधि में भारतीय बाजारों में सोयाबीन में भी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, सोयाबीन के अंदर जो तेजी है वो वैश्विक कारणों की वजह से है, और जो हमने अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन देखी है यूक्रेन में या रशिया में, उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि अभी उसकी वजह से भावों को और सपोर्ट मिल सकता है और एक्सपेक्टेड है कि भावों में तेजी रहेगी। तो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन है तब तक एक तेजी का माहौल बन सकता है। तो हमें लगता है कि एडिबल ऑयल अभी फिलहाल एक पॉजिटिव साइड में जा सकते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।